स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पुरानी रंजिशें कभी भी खूनी संघर्ष में बदल सकती हैं और खूनी संघर्ष के कारण से किसी की भी जान जा सकती है। ऐसा ही कुछ वाक्य गांव इस्माइलपुर में हुआ, जो कि सढ़ौरा के एक नजदीकी गांव है। इस गांव में किसी बात को लेकर दो पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसकी दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को भी शिकायत दी थी। इसमें आपसी फैसला भी हुआ था, लेकिन विवाद इतना गहरा हो गया कि दोनों पक्षों की एक बार फिर से लड़ाई हो गई, जिसमें एक की मौत और चार लोग घायल हो गए। इस खूनी संघर्ष में गांव इस्माइलपुर का लगभग 44 वर्षीय मनोवर, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वीरवार को सुबह के समय हमलावरों ने उसके घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया, जबकि परिवार के 5 अन्य लोग भी बुरी तरह से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस हमले में बुरी तरह से घायल मनोवर को सढ़ौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही थाना सढ़ौरा पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही डीएसपी जितेंद्र भी मौके पर पहुंचे और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ भी अब शुरू कर दी गई है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बुधवार को गांव में ही एक रिटायरमेंट पार्टी थी। वहां पर तुषार, जाहिद, साहिद और इम्तियाज की मनोवर के छोटे भाई सद्दाम के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई थी। जब मामला शांत नहीं हुआ तो रात को थाना सढ़ौरा पुलिस मौके पर पहुंची थी और इस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कर दिया था और वीरवार सुबह बातचीत के लिए थाने में बुलाया था। मगर वीरवार को ही सुबह हमलावरों ने हमला कर दिया और हमलावरों के पास जो बताया जाता है तेज हथियार, तेज धारदार हथियार थे, चाकू व पंच आदि थे। इस दौरान उन्हें सद्दाम पर हमला कर दिया, तभी बीच बचाव करने आए कुछ अन्य लोग भी इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस खूनी संघर्ष में मनोवर की मौत होने के बाद से सढ़ौरा इलाके में एक तनाव का माहौल बन गया है और बिलासपुर डीएसपी जितेंद्र पुलिस बल के साथ मौके पर आकर पहुंचे, स्थिति पर उन्हें काबू पाया और गांव के माहौल को कुछ शांत भी करवाया। आप देख सकते हैं इस वक्त गांव इस्माइलपुर में है, जहां पर पुलिस अपने ही तरीके से जांच पड़ताल कर रही है कि किस प्रकार से घटना को उन हमलावरों ने अंजाम दिया, एक एक तथ्य को वो जांच रहे हैं। इस हमले में मनोवर का भाई खालिक तसोवर सद्दाम व मां बेगम तथा पिता अनवर भी घायल हो गया। हमने इस बारे में डीएसपी जितेंद्र सहित कुछ अन्य लोगों से भी बातचीत की, आइए उनकी बातचीत को सुनते हैं। मतलब गली को मोटरसाइकिल लेके बच्चे जा रहे थे, बुलट थी वो थोड़ी आवाज तो करती है, उन्हें रोक के बोला तुम्हारी गली को मोटरसाइकिल क्यों चला रहे हैं। वहां जाके थोड़ा बच्चे थे, मैं तू होगी, यहाँ से सारे गए, उन्होंने मान ले डंडा परेड सी करी, मार पटाई करी, चलो छटवा दिए इन्हें, बड़े उन्हें छटवा दिए भाई। हाँ भाई लड़ो ना, मारा लड़ने का कोई काम नहीं है, चलो गलती होगी, ठीक है जी, वो गलती ने मान ली इन्हें, फिर पुलिस भी बुलवा ली दूसरी पार्टी ने, पुलिस बुलवाने में आई पुलिस, उसने बोला कि इस तरह जी इन्हें खुलासा करा, तो वह बोले इन्हें लड़ाई करी जी, सवेरे बात कर लेंगे। जैसे सवेरे यहाँ बात करने के लिए आए, बात करने का तो मौका ही नहीं दिया इन्होंने, आके ना वो लड़का बात कर रहा था, आराम से खड़ा था, उस पर कोई हथियार नहीं था, उन्हें पकड़ के ना उसका धे चक्कू मतलब 20-25 जने थे, वो लड़का ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। 3-4 परिवार आए, प्रशासन मौके पर पहुँच गया था जी, पहुँच गया था प्रशासन बाद में पहुंचा, अब कार्रवाई भी ढिली कर रहे हैं, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे, बिल्कुल यहाँ खड़े आराम से, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, वो फरार हो गए। हाँ जी, एक की मृत्यु होगी और 4-5 लड़के घायल हो गए। हाँ जी, एक तो बिल्कुल ही खत्म हो गया मौके पर। गाँव का था, मनोवर इसका नाम था और इसकी उम्र जो 40 साल थी। इनकी पुरानी रंजिश थी कोई, तो कल कोई रिटायरमेंट पार्टी थी,
पूजा पैलेस में से जुड़ा, जब वहाँ कोई डीजे पे कहा सुनी हुई थी इनकी, तो उसी रंजिश को लेकर शाम को फिर झगड़ा हुआ इनका। और आज सुबह करीब 8:30 बजे इनका फिर आपस में झगड़ा हो गया, और आपस में इसके मनोवर के जो धारदार हथियारों से जो इसके चोटें आई है, वह परिजन इनको अस्पताल में लिया सडोरा, जहाँ पर इसकी डॉक्टर साहब ने इसको मृत घोषित कर दिया, और अब इसका पोस्टमार्टम जो करवाया जा रहा है, हम अगर इसको लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम जो करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम जैसे भी कार्रवाई होगी। अभी तो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, लगे हैं टीमें बना दी हैं, उनको जल्दी राउंड अप करेंगे। वाजिद अली जो कि इस हत्याकांड के जो है गवाह हैं, तो क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कल हमारे यहाँ हमारे जो बहनों हैं अब्दुल हमीद जी, उनकी रिटायरमेंट पार्टी थी जी, उसके बाद जैसे ही हम सब लोग घर गए सडोरा से पूजा पैलेस से, जो दूसरा पक्ष है उन लोगों ने दारू पी रखी थी सब ने, जो मेरा सबसे छोटा बीचला साला है सत्ताम, वो वहाँ पे घास लेने के लिए जा रहा था अपनी बुलेट से, उन लोगों ने उसे रस्ते में रोक के उसके साथ मारपीट और गाड़ी गलौज की। मोहल्ला पड़ोस के और सभी जिम्मेदारों ने रात इन दोनों पक्ष को समझा दिया और शांत करके बिठा दिया कि भैया अभी तो इन लोगों ने दारू पी रखी है और आप सुबह बैठ के बात कर लेंगे। मोहल्ले वालों ने सबने बिठा दिया, उसके बावजूद उन लोगों ने रात ही मनोवर अर के चारों भाइयों के खिलाफ FIR लॉस करा दी। अच्छा, जीजा जी का फोन मेरे पास भी कहा कि ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया, क्योंकि वो भी मेरे भांजे ही हैं, वो बड़े जीजा जी के लड़के हैं। मैं वहाँ से सरसावा से आया कि चलो दोनों तरफ से FIR है, सुबह बैठ के कंप्रोमाइज़ करा देंगे। ऐसा हिसाब से बात हुई, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठे भी नहीं थे अच्छी तरह, मेहताब घर पे आया, या तो उसे पता चल गया कि उनकी रिपोर्ट होगी, पहले वो ये थे कि एक तरफा रिपोर्ट है, उसके बाद उसने मारपीट वहाँ पर गाली गलौज करनी शुरू कर दी। मैंने उसे समझा, मैं कि बेटे आपकी रिपोर्ट हो रही, आप घर चले गए। उसके पीछे पीछे वो 9-10 लोग आए सब, इम्तियाज, शाहिद, शाहिर, और क्या कहते उसको एक विक्की है जो हमारे जो बहनोई के दामाद है, उनका एक लड़का है तुषार, तो वो सब हथियार लेके आए वहाँ पे। मोहल्ले वालों ने मेरे साथ नईम है और सीमू है और गन्नी भाई, इन सब की मदद से हमने उन सबको रोक लिया। लगभग झगड़ा शांति हो चुका था, दोनों पक्ष अलग अलग थे, ये सब नियत थे, उनके हाथ में सब हथियार थे। उसके बाद इरशाद, दिलशाद और ताहिर जो बशीर के लड़के हैं, सब हमने सब ने उन लड़कों को पकड़ रखा था, इन्होंने जाके पूरे परिवार के ऊपर हमला बोल दिया और मार पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसमें ताहिर के हाथ से पंच लगा मेरे जीजा जी को, मनोवर को। जैसे ही उधर मारपीट शुरू हुई, हम सब लोग उधर ही भाग गए, ये भी सब जो विक्की और थे, इम्तियाज था, ये सब छूट गया हमारे हाथ से भी। जैसे ही पंच लगा जीजा जी को, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होना ही था, उसके तुरंत बाद तो सार ने पंच मारा उनको, और जो इम्तियाज के हाथ में धारदार हथियार था पलकटी के रूप में, उन्होंने उनके सामने यहाँ पे हेड यहाँ पे मारा। जैसे ही जीजा जी नीचे अनकॉन्शियस स्थिति में गए, विक्की के हाथ में बहुत धारदार हथियार था, चक्कू था, उसकी शायद वीडियो भी हमारे पास है, उन्होंने उनकी कमर में पीछे वो चक्कू मार दिया और उसके पंची भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों ने हाथ नहीं रोका। जो इरशाद का लड़का है शाहिद, उसके हाथ में लोहे की राड थी, और जो उनकी कुछ महिलाएं थी वो नीचे गिरे गिरे के साथ भी मारपीट करते रहे। और इस जो इरशाद था उसने मेरे छोटे साले खालिक के सिर में डंडा मारा, और जो उसका लड़का था शाहिर, जो सबसे छोटा उसे पेट्रोल वगैरह के नाम से जानते हैं, उसके भी हाथ में चप्पू था और दूसरे लड़के के हाथ में राड थी, उन्होंने मेरे खालिक साले पे खालिक पर वार किया। इसमें मेरी बुआ जी बेगम, हमारी बहन इमराना और मामा जी और छोटा साला तसव्वुर और सद्दाम, सबके साथ मारपीट की। आनन फानन में हम अपने जीजा जी को ले कर CHC पहुँचे, जहाँ पे आके डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। जी 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 जी। तो अभी कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है कुछ का, कोई कार्य? अभी SHO साहब ने बताया है जरूर कि 2 आदमी गिरफ्तार हुए, बाकी उनका कहना है कि यहाँ से हमने वो CI स्टाफ भेज दिए हैं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बात हाँ जी, चलिए धन्यवाद। अक्सर छोटी मोटी बातें ही बड़े विवादों को जन्म देती हैं, और उन विवादों के कारण से संघर्ष उत्पन्न होता है, और जिसमें कहीं ना कहीं जान माल की हानि होती है। गांव इस्माइलपुर में हुए इस खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
आपस में इनका विवाद था और उस विवाद को शांत कराने की कोशिश भी लगातार की जा रही थी, लेकिन कहते हैं कि होनी बड़ी बलवान है। जिस विवाद को शांत किए जाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार उस विवाद के कारण से ही एक व्यक्ति ने अपनी जान से हाथ धो लिए। हमें इस प्रकार के आपसी विवादों और रंजिशों से बचाव करना चाहिए, वरना आगे चलकर ऐसे रंजिशों और विवादों का अंजाम बुरा ही होता है।